हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल गेट गुरु। फ्रेंड्स, 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कंडक्शन के। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है, आज हम लोग 7th क्वेश्चन करेंगे। देखिए, 7th क्वेश्चन आईआईटी बॉम्बे ने 1999 में पूछा है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। और मैं बता दूँ फ्रेंड्स, ये आईआईटी का फेवरेट टॉपिक है। 1.7 क्वेश्चन 1999 में। देखिए, इट इज़ प्रपोज टू कोट अ 1 mm डायामीटर वायर विद एनेमल पेंट जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.1 वोट पर मीटर पर केल्विन दे रखी है टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर विद एयर। कहना क्या चाहता है कि एक 1 mm डायमीटर की वायर है, उसके ऊपर आप पेंट कर रहे हो, उसके ऊपर पेंट की कोटिंग कर रहे हो, या फिर आप क्या क्या लीजिए, पेंट से इंसुलेशन कर रहे हो टू इंक्रीज, ताकि हीट ट्रांसफर जो है एयर के साथ वो बढ़ जाए, हीट ट्रांसफर एयर के साथ बढ़ जाए। और उसकी पेंट की थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे दिया 0.1 वोट पर मीटर पर केल्विन। इफ़ द एयर साइड हीट ट्रांसफर कोफिशियंट इज 100 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, एयर का जो हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है वो आपको 100 दे दिया। ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ द एनेमल पेंट शुड बी, वो आपसे पूछ रहा है कि पेंट की थिकनेस मैं कितनी रखूं, ऑप्टिमम थिकनेस पूछ रहा है। देखिए, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का क्वेश्चन है, टॉपिक फेवरेट है। करना क्या है आपको, आपको ये बताना है कि पेंट की थिकनेस कितनी रखूं। अब देखिए, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी को आप हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए सिलेंडर के केस में। ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर ये वायर दे रखी है, वायर एक सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर के केस में आपको क्या करना होता है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन निकालने के लिए आपको थर्मल कंडक्टिविटी को डिवाइड करना है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट से। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होती है, क्या बताई थी मैंने आपको, ये वो थिकनेस होती है जिस पर आपका जो हीट ट्रांसफर है वो मैक्सिमम होता है। हीट ट्रांसफर अगर क्रिटिकल रेडियस से कम है वैल्यू, तो हीट ट्रांसफर जो है वो बढ़ता चला जाएगा इंसुलेशन करने के साथ साथ। जब जैसे जैसे आप इंसुलेशन करते रहोगे, जैसे जैसे आप इंसुलेशन करते जाओगे, हीट ट्रांसफर बढ़ता जाएगा, और जैसे ही क्रिटिकल रेडियस आएगी, इन जो हीट ट्रांसफर है वो मैक्सिमम होगा, और क्रिटिकल रेडियस के बाद अगर इंसुलेशन करोगे तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, लूज होना शुरू हो जाएगा, हीट ट्रांसफर कम होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो के होती है ना थर्मल कंडक्टिविटी, वो इंसुलेशन की होती है, इंसुलेशन की। मैं आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन को एक बार पूरा सोल्व कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि बच्चे गलती क्या करते हैं और आईआईटी आपसे क्या गलती कराती है और आने वाले एग्जाम में क्या गलती करा सकती है। अब देखिए, आपको ऑप्टिमम थिकनेस निकालिए, पहले तो इसका क्रिटिकल रेडियस निकाल लीजिए। देखिए, वायर का डायमीटर आपको कितना दिया है, वायर का डायमीटर आपको 1 mm दे रखा है। जो पेंट की थर्मल कंडक्टिविटी, यहां पर पॉइंट नहीं आएगा, यहां पेंट कर लीजिए, पॉइंट गलत लिखा हुआ है, यहां पर पेंट आएगा, तो पेंट की थर्मल कंडक्टिविटी है 0.1 वोट पर मीटर पर केल्विन। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच आपको दे रखा है 100 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। तो सबसे पहले क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन निकाल लीजिए कितनी आएगी। देखिए, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी को हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। थर्मल कंडक्टिविटी आपको 0.1 दी है, 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.001 मीटर, या फिर 1 mm कह सकते हो आप। 1 mm की आ गई, क्या आ गई, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। देखिए क्या है, ये है आपका वायर का डायम, ये है आपकी वायर की रेडियस, ये यहां से यहां तक ये आपकी वायर है, और इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, इसके ऊपर आपने पेंट कर दिया, तो यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की रेडियस आपके पास, इसे ये आपके पास क्रिटिकल रेडियस की वैल्यू आई है 1 mm। अब देखिए, यहां से यहां तक का ये वायर का, ये वायर की रेडियस है, वायर की रेडियस कितनी है, वायर का डायमीटर 1 mm है, तो वायर की रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.5 mm, 0.5 mm, यहां तक का 0.5 है और यहां तक का ये टोटल 1 है, तो 0.5 में 0.5 ऐड कर दोगे तो 1 आ जाएगा ना, आपको 1 mm चाहिए, तो 0.5 तो वायर की रेडियस होगी, पेंट ऊपर 0.5 और कर दो तो आपके पास थिकनेस कितनी आ गई पेंट की, ये आपको 0.5 mm की करनी है, तभी तो टोटल बन मिलकर 1 बनेगा। तो यहां पर देखिए, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, या फिर आप ये कह लीजिए टोटल में से जो क्रिटिकल रेडियस आरसी है उसमें से वायर की रेडियस को माइनस कर दीजिए, रेडियस ऑफ इंसुले, ये क्रिटिकल रेडियस कितनी आई है 1 mm, उसमें से 0.5 mm आपने माइनस कर दिया, क्योंकि वायर का जो डायमीटर है वो 1 mm है, तो रेडियस 0.5 mm हो जाएगी और यहाँ से 0.5 mm आंसर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, हैज द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर आईआईटी गलती क्या करा सकती है आपसे, 2020 में आपसे क्या गलती करा सकती है, और ये टॉपिक फेवरेट है। यहाँ पर आपको वायर की थर्मल कंडक्टिविटी वो दे देगा, इस वायर की थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू कुछ ना कुछ वो दे देगा, तो ध्यान रखिएगा, आपको वो थर्मल कंडक्टिविटी नहीं लेनी, आपको थर्मल कंडक्टिविटी के किसका लेना है, आपको इंसुलेशन, जो इंसुलेट किया जा रहा है ना, जिससे जो मतलब कोटिंग की जा रही है, जो परत चढ़ाई जा रही है उसके ऊपर, उसकी आपको थर्मल कंडक्टिविटी लेनी है। तो ध्यान रखिएगा, बच्चे यहाँ पर गलती कर सकते हैं और ये पूछा जाएगा आपसे, गलती करवाने के पूरे चांसेस रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस कंडक्शन चैप्टर का 8 क्वेश्चन करेंगे, टोटल हमें 42 क्वेश्चन करने हैं। कमेंट में बताइए फ्रेंड्स, कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, और सब्जेक्ट कौन सा चाहते हैं वो भी बताइए। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।